तो यहाँ का मेन्यू है। ऐसे लग रहा है ये खली गा रहा है। अगर होगी भी तो लोग क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो इधर आ। इस टाइम अभी हमने ऑर्डर किया है हक आसपास सिर्फ तो सिर्फ जर्नी ऑफ ट्रैवल इन फूड। गाइज मैं हूँ सूर्या और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि सिर्फ 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 आप देखने वाले हैं ट्रैवल इन फूड को लेके। और फिलहाल मैं आपको बता दूँ मैं हूँ कहाँ पे, ये आपको टाइटल लेके तो पता चल ही गया होगा। और मैं सोच रही थी कि यार यहाँ पे एक बार तो आऊँगी, क्योंकि ये है द ग्रेट खली जो है उनका रेस्टोरेंट है। और जैसे इनका नाम है वैसे इनका रेस्टोरेंट है। इनकी जगह बहुत बड़ी है, अंदर से भी बहुत अच्छी है। मैं देख के आई हूँ, आपको भी लेके साथ चलती हूँ। अभी हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं आपका खाना, आपको बताते हैं कि का खाना कैसा टेस्ट करता है, यहाँ का फूड रिव्यू, प्राइजेस, एम्बियंस और ये कहाँ पे है लोकेशन आपको शेयर करते हैं। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि पहली बात तो ये कि मैं जा रही हूँ गुड़गांव से जम्मू बाय रोड, मैं और मेरा एक फ्रेंड है। हम बस गुजर रहे थे यहाँ से तो हमने बोर्ड हर जगह लगे थे कि द ग्रेट खली रेस्टोरेंट हर जगह, मतलब आधे घंटे दूर पहले कहा कि 30 मिनट्स अवे 5 मिनट्स अवे, मतलब ऐसी एक्साइटमेंट उन्होंने क्रिएट कर दी ना कि मुझे लगा कि रुकते हैं यहाँ पे, कुछ ट्राई करते हैं और आप तक रिव्यू पहुँचाते हैं कि एम्बियंस कैसी है, प्राइस कैसा है, बजट फ्रेंडली है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर चैनल पर नए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो, यार किस चीज़ की देरी कर रहे हो, जाओ सब्सक्राइब करो। और बहुत सी वीडियोज़ आती हैं ट्रैवल की, फूड की, ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद आपने कभी ना खाई हो, तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो आओ चलो, और इससे पहले कि वो हमारा सर मार दें टेबल से दौड़ खड़ के, उसका वेट नहीं करेंगे हम और अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ, ने बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखे हैं खली जी ने। चलो यार इससे पहले कोई हमारा सर मार दे सर। यहाँ का मेन्यू है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन्यू बहुत सही है, मतलब जिस हिसाब से इनका नाम है जैसे ग्रेट खली रेस्टोरेंट कैफे, तो पर इनके प्राइसेस मुझे जेन्युइन लगे। ये रखो गोलगप्पे चिकन 84 रुपीज़ के, मतलब ठीक है यार, ये पिज्ज़ा आ गया और ये बाकी प्राइसेस आ गए। देख लो ध्यान से गाइस, तुम आना चाहते हो आ सकते हो, मेन्यू देखते हो। ये देखो और थाली है यहाँ पे, ये वाली द ग्रेट खली थाली 1600 की, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये तो नहीं खाऊंगी, सिंपल खाना खाएंगे, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और चलेंगे। एम्बियंस की बात करें ना तो बड़ी एम्बियंस थी, इतना बड़ा ढाबा बनाया था इन्होंने, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला जैसे ये खुद है वैसे इन्होंने अपना ढाबा बनाया है, बहुत बड़ा। और एम्बियंस इसकी एकदम सोबर सी थी, ज़्यादा कुछ हैंकी पैंकी नहीं, एकदम सोबर सी। और एक बात और, इन्होंने रिंग भी बनाया है स्पेशल लोगों के लिए जिनको खाना पसंद ना है। मजाक कर रही हूँ, आगे देखते चलो। इस टाइम अभी हमने ऑर्डर किया है हक्का नूडल्स और साथ में साउथ इंडियन अभी अवेलेबल नहीं था, तो अभी हमने उसके जगह कुछ और मतलब ऑर्डर कर लिया है, वो है पनीर टिक्का स्पेशल। रश काफ़ी कम है अभी, इतना रश है नहीं, और आसपास सिर्फ तो सिर्फ ग्रेट खली की पूरा उन्होंने अपनी पिक्चर्स क्लिक, मतलब जो पिक्चर्स हैं वो है, पेंटिंग्स हैं मतलब पूरे यहाँ पे, और यहाँ पे रिंग भी है एक। सो चलो खाने का वेट करते हैं। जैसे कि इन्हीं का ढाबा है तो इनकी ना हर जगह पिक्चर्स हैं, मोदी जी के साथ पिक्चर्स हैं, इनकी फैमिली पिक्चर्स भी हैं, और कुछ इनके जो रेसलिंग के टाइम इन्होंने एकदम पोज करके खतरनाक वाले खिंचवाए थी वो भी है।
क्वांटिटी वाइज तो ऑसम था। अगर आप दो लोग जा रहे हो, तीन लोग जा रहे हो ना, तो आपका इन दोनों से भी ना एकदम मस्त पेट भर जाएगा, क्योंकि जो हमने खाया था ना, सच बोलूँ तो हमें शाम तक भूखने लगी थी, इतनी मस्त क्वांटिटी थी। और हाँ, ये बात मैं किसी के प्रेशर में आके नहीं बोल रही हूँ, सच्ची बात है। स्पाइसी अच्छा, गार्लिक का इतना फ्लेवर आ नहीं रहा है, गार्लिक इतना नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर तंदूरी की फ्लेवर है। आपको कैसा लगा? अच्छा, टेस्टी है। ऐसा लग रहा है ये खलीग आ रहा है। यहाँ पे खान चीज़ टेस्टी है, अच्छी होगी, जीरो कंप्लेंट के साथ ही बोला। अगर होगी भी तो लोग क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो इधर आ। खली ने सब मारना जोर से, क्यों पसंद नहीं आ रहा मैं इसको। आपको नहीं लग रहा है लोग सहम हो रहे अंकल ऐसा देख रहे हैं? बदतमीजी कर रहा है, मरोना उसने बदतमीजी कर रहे हैं। दो ही चीज़ तो हमने ऑर्डर की थी, दूसरी चीज़ थी स्पेशल पनीर टिक्का, और ये भी बहुत टेस्टी था। और सच बोलूँ तो दोनों की क्वांटिटी बढ़िया थी, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, अच्छा टेक्सचर था। मुझे याद है कल हम एक कैफ़े गए थे गुड़गांव में, और वहाँ का पनीर टिक्का इतना 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 बेस्वादा था जिसको बोलते हैं, पर यहाँ आके ना मज़ा ही आ गया, बढ़िया था। एक ही चीज़ की दिक्कत जो हुई है वो था वहाँ का एसी, भाई साहब इतनी गर्मी थी वहाँ पे, पसीने छूट गए खाते खाते। और वैसे ये रहा रिंग, जहाँ पे जिन लोगों को खाना पसंद नहीं आता ना, उनको वहाँ पे लड़ाया जाता है। मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे भी ना डाइनिंग बीच में यहाँ टेबल्स वगैरह रखे थे, शायद ग्रेट खली यहाँ पे खाते होंगे या कोई भी आके खा सकता है। तो हम जा रहे हैं ढाबे से, मस्त है यार, हमने एक दो चीज़ें मंगाई क्योंकि ऑलरेडी हम ना बहुत कुछ खा के आ रहे हैं। तो मेरा मेन पर्पस ये था कि थोड़ा जाए एक्सपीरियंस लें कि यहाँ का खाना कैसा है, बाकी हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। क्योंकि हम ऐसे लग रहा था कि अगर हम कंप्लेंट करते तो पता चले कि ग्रेट खली हमारा सर ढल करके फोड़ दे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप आइए यहाँ करनाल, मैं आपको एक बार लोकेशन फिर से बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हर जगह इन्होंने इतने 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 एडवर्टाइजमेंट अच्छी की है, मार्केटिंग ढूंढने में तक मतलब मुश्किल नहीं होगी। सो अभी भीड़ कम है, खाना अच्छा था, क्वांटिटी वाइज में हमारा पेट फुल हो गया, दो चीज़ें दो बंदे खाए और कुछ मंगवा ही नहीं पाए गाइस, हम समझ रहे हो। तो चलो चलते हैं आगे का अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। देशवर हम जा रहे हैं जम्मू, लोकेशन की बात करें करनाल नी, मैं एक बार आपको बाहर से दिखा देते हैं, इधर मुरथल के आगे, और ये शायद अपना एक और ढाबा खोल रहे हैं मुरथल वाली साइड, क्योंकि अभी ग्रेट खली यहाँ पे थे नहीं, वो गए हुए शाम को आएंगे। सो कभी आप आए तो क्या पता आपको मौका मिल जाए मिलने का। सो हम तो जा रहे हैं, बाय। सामान देखना, मेरी जीन्स देखना कैसे पड़ी है लवारिस। तो यहाँ पे ढाबे के साथ यहाँ पे जिम भी थी, जो लोग खाने आ रहे हैं वो जिम भी कर सकते हैं। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। और लोकेशन आपको पता चल गई है, ये है करनाल चंडीगढ़ वाला हाईवे है, उसी पर है, मैं बता रही हूँ ना, आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे आप। और ज़रूर जाइएगा, ट्राई करिएगा, शायद आपको जो खली हैं सर हैं वो भी मिल जाए। और हमारा प्लान बन गया है आगे जो नकोदर जाने का है, बोलते हैं ना बुलावा आया हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, बस नकोदर जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। वैसे ये था आज का व्लॉग, कहने को तो मैंने प्रॉमिस किया था कि आज बनारस के व्लॉग्स आएंगे, पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था कि मैं वो व्लॉग जो है एडिट नहीं कर पाई, तो जल्दबाजी में मैंने आज का यही व्लॉग एडिट किया। तो ये रहे नकोदर के दर्शन, जो बाहर का व्यू है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, और प्यार करते हो तो लाइक शेयर तो बनता है ना यार। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।